कोई लड़का इस तरह से कोई कमेंट बाजी नहीं करता? नहीं सर, मेरे को जवाब भी तो देना आता है। अच्छा जी सर, अगर कोई लड़का कुछ कहेगा तो क्या कहेगी? मैं गाली बक दूंगी। लड़कियाँ 8 बजे के मतलब बाद घर से अलाउ नहीं किया जा सकता, मतलब पेरेंट्स भी डरते थे, उतने अफोर्डेबल नहीं होते थे कि हम अपनी बेटी को बाहर भेज पाएं। लेकिन अब मतलब मोदी सरकार और योगी सरकार ने ऐसा नियम निकाला है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं उस ट्रेन में हूँ जिसको हरी झंडी पीएम मोदी ने दिखाई है और इस वक्त ये गोरखपुर जा रही है। गोरखपुर यानी योगी आदित्यनाथ का धाम, जहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री निवास करते थे, वहीं के ये छात्राएं हैं जो आई थी यहाँ पर अयोध्या घूमने के लिए, वापस जा रही हैं। इनसे जानते हैं कि क्या देखा अयोध्या में। क्या नाम है आपका? रितिका चौधरी। हाँ रितिका, बताइए कैसा रहा अयोध्या का टूर आपका? बहुत अच्छा रहा। और हम लोग मतलब अयोध्या एक ऐसी जगह है जहाँ पे मतलब घूमने का सबका मतलब मन करता है कि हम अयोध्या में जाएं, क्योंकि वो राम जन्मभूमि है और राम जी से मिलने का सौभाग्य तो सबको नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन सब लोग को मतलब राम जन्मभूमि पर जाना मतलब सबका सौभाग्य प्राप्त हुआ कि सब लोग राम जन्मभूमि पर जा सकें। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे कि राम जी को देखा तो नहीं, मिल तो पाए नहीं, लेकिन उनकी भूमि को ही नमन कर ले। और इसके लिए हम मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि वो अयोध्या मतलब अयोध्या को मतलब इतना खूबसूरत बनाएं और ताकि हम वहाँ पे मतलब कुछ सुविधाएं दी हम लोग के रहने खाने पीने की, और इतना अच्छा वहाँ पर मतलब हिस्टोरिकल मूवमेंट बनाया है ताकि वहाँ पे लोग जाएं घूमें और राम जी के बारे में पूरा जानें कि उनकी जन्मभूमि क्या है, उनकी माता पिता कौन थे, क्यों वो वनवास गए, मतलब पूरा पूरा। ये जो ट्रेनें हैं, ये जो अमृत भारत ट्रेनें हैं, वो राम जी की भूमि से लेकर उनकी ससुराल तक चलाई है, यानी मिथिलांचल तक ये जाएगी, तो ये भी अच्छा प्रयास है जी। हाँ। ये भी अच्छी पहल है जी। तो इसके लिए हम मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। पहले ऐसा था कि मतलब यही ट्रेन थी सेम, बट उसका किराया बहुत ज़्यादा था, तो लोग मतलब आने में भी, किराया तो अभी भी ज़्यादा रहेगा इसका, इसका किराया बहुत कम है। सर बता रहे थे हम लोग इंटरव्यू में कि मतलब बाकी ट्रेन के मुकाबले में इसका किराया बहुत कम है, तो लोग मतलब अफोर्डेबल भी होंगे कि हम मतलब उतने कम से किराया, कम से कम किराया। अच्छी लग रही है ट्रेन वैसे, ठीक है? हाँ बहुत अच्छी है, बहुत 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 अच्छी ट्रेन है। तो मोदी जी के काम से खुश हैं? बहुत बहुत खुश हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं। आप भी ज्यादा खुश लग रही हैं? बहुत ज्यादा खुश हैं सर। आपका क्या नाम है? प्रिया। प्रिया जी सर, आपकी खुशी तो चेहरे से दिख रही है बिल्कुल। यस सर, मैं बहुत खुश हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? सर 11th। 11th में। तो क्यों खुश है प्रिया? सर खुश इस वजह से है क्योंकि मतलब इंडिया में भी जाना जाएगा कि हाँ ऐसी अच्छी अच्छी जगह है घूमने के लिए, तो लोग मतलब बाहर से भी आएंगे कि हाँ हमें यहाँ राम जी की जन्मभूमि, अक्सर फॉरेनर्स भी आते हैं तो घूमते हैं और वो हमारे सनातन धर्म को भी अपनाते हैं, तो फिर जैसे ये सब। और मतलब इन्होंने बहुत सारी चीज़ें रिन्यूवन की हैं, हर चीज़ किया, हर चीज़ डेवलपमेंट इंडिया का बहुत तेज़ी से हो रहा है और बाहर बाहर के लोग भी आते हैं यहाँ का इन्वायरमेंट, यहाँ का पीस, यहाँ का हर चीज़ इंजॉय करने, और इसमें योगी जी और मोदी जी का बहुत बड़ा हाथ है सर। अच्छा, तो दोनों ने बेहतर काम किया है? जी सर। अच्छा, तो खुश हैं आप उससे? बहुत ज़्यादा खुश। अयोध्या घूम कर भी आपको अच्छा लगा? सर बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आपका नाम क्या बेटा? हिमांशी सर। हिमांशी। हिमांशी क्या कहेंगे आप सर? क्या हाउ इज द जोश? सर घूम के अयोध्या अच्छा लगा। आप बताइए आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम आस्था गौर है। आस्था जी बोलिए। सर मुझे आज बहुत अच्छा लगा, मुझे नरेंद्र मोदी जी से मिलने का मौका मिला और देखने का भी मुझे बहुत। अमृत भारत ट्रेन का जब उद्घाटन हुआ तब मिले आप? यस सर। यस सर, तो अच्छा लगा आपको? भी बहुत अच्छी है। यस सर बहुत अच्छा लगा। यस। और क्या कहेंगे आप बताइए, क्या नाम है आपका? प्रज्ञा कुशवाहा। तो प्रज्ञा आप बताइए, आप आपका कैसे रहा अयोध्या आगमन, इस ट्रेन में बैठना, तो क्या इसको लेकर कहेंगे? ट्रेन में बैठना, ट्रेन बहुत अच्छी है। हम लोग अयोध्या आए, ये हम लोग का सौभाग्य था, हम लोग को मोदी जी से मिलने का मौका मिला, ये हम लोग मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं, गोरखपुर में भी उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। आप कहाँ से हैं? गोरखपुर से। अच्छा, गोरखपुर वाले ही हो आप लोग? तो गोरखपुर में ठीक काम किए? हाँ बहुत अच्छे। अच्छा। यस सर। तो कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हमको जितवाओ? नहीं नहीं, योगी मोदी सर। जैसे पहले हमारे देश को मतलब ताजमहल के नाम से जाना जाता था कि मतलब भारत में ताजमहल है घूमने की जगह, लेकिन अब भारत को जाना जा रहा है कि अयोध्या के नाम से। अच्छा। क्योंकि अयोध्या एक राम मंदिर एक ऐसा मतलब जगह है जहाँ पे मतलब पूरी भारत के लोग घूम मतलब आना चाहेंगे, आना चाहेंगे, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। सर इस पे एक थोड़ा सा मेरा लाइन है, अयोध्या तो
अयोध्या तो अभी झांकी है, काशी और मथुरा अभी बाकी है। अच्छा, मथुरा काशी पर भी निगाह आपकी। जैसे कि अयोध्या है, राम मंदिर है, तो यहाँ पे राम जी की मतलब पूरा राम जी के बारे में और उनकी जन्मभूमि है, तो वैसे ही काशी और मथुरा है जो वो भोलेनाथ के लिए। तो अभी तो ये ट्रेलर ही है और पिक्चर अभी पूरा। अच्छा, पिक्चर अभी बाकी है। 22 जनवरी को राम जी का उद्घाटन है, राम मंदिर का उद्घाटन है। राम मंदिर का उद्घाटन। तो क्या बीजेपी वाले काम कर रहे हैं, अगर बात करें? सर बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। क्या क्या काम अच्छा लगा सर? हर काम उनका, वो लोग जो कर रहे हैं वही चीज अच्छी हो रही है। मतलब वो अगर एक चीज पैट जाने तो वो करके ही दिखा रहे हैं। जिद्दी है जी? जिद्दी ठीक थोड़ी होते हैं सर, वो अच्छे होते हैं। वो मतलब अपने एम पे तो रहते हैं कि जो करना है वो करके ही दिखाना है। अच्छा, क्या क्या काम ऐसा लगा जो तुम्हें लगा कि करके दिखा दिया? सर जैसे कि ये ट्रेन फॉर एग्जांपल, राम मंदिर हो गया, फिर उसके बाद से लड़कियों का प्रोटेक्शन है जी, बिल्कुल है। अच्छा जी, आपको महसूस होता है कि एकदम होता है महसूस? मैं रैंडमली, मैं इंडिपेंडेंट होकर मैं कहीं पे भी आ जा सकती हूँ, इतनी अच्छी फैसिलिटीज है यहाँ पे। अच्छा जी सर, अब डर नहीं लगता? नहीं। कोई लड़का इस तरह से कोई कमेंटबाजी नहीं करता? नहीं सर, मेरे को जवाब भी तो देने आता है। अच्छा जी सर। अच्छा जी। नहीं, वैसे पुलिस वुलिस भी सुरक्षा करती है एकदम सर? अच्छा जी। अगर कोई लड़का कुछ कहेगा तो क्या कहेगी? मैं गाली बक दूंगी। नहीं जी, गाली तो गंदी बात होती है ना जी। नहीं, जी तो है, लेकिन फिर कैसे स्टैंड लोगी? सर मैं पुलिस को कांटेक्ट करूंगी। हाँ जी, बात ठीक है, स्टैंड रखना चाहिए लड़कियों को, टिट फॉर टैट भी करना चाहिए। यस सर, जैसे को तैसा। अच्छा, जैसे को तैसे। यस सर। ये किसने सिखाया तुम्हें? सर मेरे को किसी ने नहीं सिखाया ये सर जी। कई लड़के बहुत खतरनाक भी होते हैं ना, बहुत नालायक होते हैं। हाँ? तो उन जैसे के लिए तो पुलिस का इस्तेमाल। हाँ एकदम, अगर वो जैसे कुछ मतलब होते हैं कि जैसे पहले तो एसिड अटैक्स ये सब फालतू चीजें होती थी, बट जब से योगी जी आए हैं तो फिर ऐसे एसिड्स बनाए ही नहीं जा रहे हैं ना कि जो हार्म करें, और ऐसा कुछ हो भी नहीं रहा है। लड़कियों को महसूस होती है सुरक्षा? जी सर, सुरक्षा होती है। यस सर। अब डर नहीं लगता? नो सर। सर पहले ऐसा था कि लड़कियां 8 बजे के मतलब बाद घर से अलाउ नहीं किया जा सकता, मतलब पेरेंट्स भी डरते थे, उतने अफोर्डेबल नहीं होते थे कि हम अपनी बेटी को बाहर भेज पाएं। लेकिन अब मतलब मोदी सरकार और योगी सरकार ने ऐसा नियम निकाला है कि लड़कियां भी अब 8 बजे के बाद ट्यूशन जा सकती हैं, क्लासेस कर सकती हैं, और वो अपनी पढ़ाई को मतलब ऊँचे स्तर तक ले जा सकती हैं, जहाँ तक। यस सर। ये सच है क्या बात है? ये सबसे छोटी बच्ची है, क्या नाम है तुम्हारा? वैष्णवी चतुर्वेदी। बताइए आप, क्या लगता है कि लड़कियों के लिए भी सरकार ने काम किया है? यस सर, ऑफ कोर्स किया है। ये जो चोरी वगैरह होता था, ये कांग्रेस, अगर ऐसे कांग्रेस की सरकार रहती है यहाँ पे तो यही सब होती है। तो सीधा कांग्रेस में बीजेपी पे लेकर, यार तुम सरकार कैसे काम कर रही है सरकार ये वाले? ये बहुत अच्छी कर रही है, इस टाइम ये सड़क बन रही है जिससे कि वो जाम ट्रैफिक ना लगे इन सब पे जाना। उसका मतलब सड़कें वड़के बन रही है। हाँ यस सर। टीचिंग का स्तर कैसे सुधरा है? टीचर पढ़ाते हैं क्या? यस सर बिल्कुल पढ़ाते हैं। पहले के मुकाबले? कौन सी क्लास में पढ़ती हो? सर 11th में। तो जब दूसरी सरकार थी, अखिलेश की सरकार थी, तो तब भी ऐसी पढ़ाई होती? नहीं सर, तब उतना स्टडी पे ध्यान नहीं दिया जाता था। अब ठीक हो रहा है? हाँ, उनका मेन मोटिव था कि हाँ, कि उनको जैसे होता ना कि अपने मतलब कि हमारा स्कूल प्राइवेट है सरकारी? सर गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट की है? जी। पहले सुधार हुआ? बहुत अच्छा हुआ है सर सुधार। पहले गवर्नमेंट टीचर्स क्या होता था कि वो लोग वो अपने जॉब से सेटिस्फाइड रहते थे, तो वो लोग पढ़ाने भी नहीं आते थे, बट जब से ये मतलब कि योगी जी आए, जब से तब से मतलब हर चीज़ स्ट्रिक्ट हो गया, हर टाइम कभी कोई भी अधिकारी। तुम्हारे स्कूल में क्या क्या बदला? मेरे स्कूल में बहुत कुछ सर, मैं तो अभी मेरा जैसे स्कूल में हूँ, मैं ये मेरा फर्स्ट ईयर है, मतलब कि मेरा न्यू एडमिशन है। और यस सर, बट मैंने भी पहले भी सुना था कि जब से ये योगी जी आए, और फिर हमारी टीचर्स भी बहुत अच्छी हैं, हमारी प्रिंसिपल भी बहुत अच्छी हैं। वो तो तारीफ तो तुम्हें करनी पड़ेगी। नहीं सर। बेटा नहीं तो देख लेना। नहीं सर, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा जी। और कभी भी कोई भी इंस्पेक्शन के लिए आ जाता है। अच्छा। और यस सर, पढ़ाई में सुधार हुआ? जो इस स्कूल में पहले से पढ़ रहा है वो कौन कौन है? सर हम 6th क्लास से पढ़ रहे हैं सर। तो क्या पढ़ाई वढ़ाई में सुधार हुआ? यस सर, बहुत सुधार हुई है सर। यस सर, बहुत बहुत अच्छा स्कूल है, और बहुत बहुत अच्छी टीचर्स हैं, हमारी प्रिंसिपल बहुत अच्छी हैं, और पढ़ाई में बहुत सुधार हुई है सर। लड़कियों की सुरक्षा भी आपने बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बताया। तो सुना आपने इन लड़कियों की जो कहानी थी, ये जो अयोध्या घूमने आई थी गोरखपुर की लड़कियां, इनका कहना था कि कई स्तरों पर सुधार हुआ है, अयोध्या को लेकर भी ये काफ़ी पॉजिटिव थी, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर में जो बदलाव आया है, राम मंदिर को लेकर काफ़ी उत्साहित थी, राम मंदिर को लेकर तो जय जयकार बोल रही थी। फिर से बोलिए, जय।
ये थे वो बच्चे जो आए थे घूमने, अब जा रहे हैं फिर से अपने अपने घर, और जोश आपने महसूस कर लिया हुआ, आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। इस खबर को शेयर जरूर कीजिए क्योंकि लड़कियों की बात है, लड़कियों के सशक्तिकरण की बात है। लड़कियाँ जब सशक्त होगी तभी कोई देश सशक्त होगा, तभी कोई परिवार सशक्त होगा। धन्यवाद।